राजधानी जयपुर में बीटीपी के दो विधायकों ने सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। दरअसल विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडौर ने कांग्रेस प्रदेश कमेटी के दफ्तर पर पहुंचकर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की, जिसके बाद इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रही हैं। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के सामने हंगामा हो गया। शिक्षा मंत्री के संबोधन के दौरान उर्दू शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमीन कायम खानी ने मंच पर जाकर प्राथमिक शिक्षा में उर्दू टीचर लगाने की मांग रखी है। जवाब नहीं मिलने पर कायम खानी ने सीट पर खड़े होकर मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का पालन करवाने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया है और कहा है कि घोषणा के बावजूद प्राथमिक स्तर की उर्दू शिक्षा बहाल क्यों नहीं की गई। एकाएक हुए हंगामे से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, राज्य मंत्री जाहिद खान और राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव चौंक गए। वहां मौजूद स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों में भी कार्यक्रम बिगड़ने के डर से खलबली मच गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कायम खानी को हिरासत में लिया और अशोक नगर थाने में ले गई।